चलो। हाय क्या हैंडसम है, मैं मर जाऊं। अरे क्यों मरी जा रही है, एक नंबर का बेईमान पाखंडी चोर है। योर ऑनर, आज इस अदालत में अपनी कसम का एक अजीब और अनोखा मुकदमा पेश हो रहा है जिसके मुलजिम को देखकर यकीन नहीं आता कि यह आदमी भी इस कसम के चमत्कार दिखा सकता है। कितना मासूम, भोला और शरीफ नजर आ रहा है। बनाके का तो ये रोनर कि आज तक लड़कियों को धोखा देने की जितनी भी वाकयात पेश आए हैं, अगर उनका अकेला कोई जिम्मेदार है तो वो है अशोक आहूजा। आज से 4 साल पहले कलकत्ता में सुषमा नाम की एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फांस कर शादी का वादा करके उसके सारे रुपए लेकर गोपाल बोस नाम का एक आदमी गायब हो गया था। उसका हुलिया गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघर वाले बाल और दरमियाना कद। 3 साल पहले लखनऊ में अनवरी बेगम को इसी किस्म का धोखा देकर असलम खान नाम का आदमी गायब हुआ था। उसका हुलिया गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघर वाले बाल और दरमियाना कद। आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रुक्मणी देवी को इसी किस्म का धोखा देने वाला प्रभाकर गायकवाड़, उसका हुलिया गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और दरमियाना कद। वकील साहब, आप सिर्फ नाम बोलते जाइए, हुलिया मैं बताता जाऊंगा, आपको आसानी हो जाएगी। सॉरी सर, सॉरी। इसी तरह के और भी वाकयात हैं रानर। आज से 6 महीने पहले रजनी देवी को शादी का धोखा देकर उनके कीमती जेवरात लेकर फरार होने वाला भी अशोक आहूजा है, जिसे जयपुर के होटल से गिरफ्तार किया गया, और उसका जो हुलिया है वो आपके सामने है। सर, सर। ए, सर नहीं, योर ऑनर। योर ऑनर। हाँ। योर ऑनर, ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर, मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। देखिए सर, योर ऑनर ने, हाँ I'm sorry, देखिए योर ऑनर, ये तो जुल्म है। अब कोई भी बड़ी बड़ी आंखों वाला चोरी करेगा तो अंदर मैं जाता रहूंगा, कोई भी दरमियाना कद वाला डाका डालेगा और जेल की हवा मैं खाऊंगा, कोई भी घुंघराले बाल वाला खून करेगा और फांसी के तख्ते पर मुझे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हुलिये को भूलिए और इस वक्त जो केस चल रहा है उसके बारे में पूछिए ना। मतलब जिस केस के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है वो तुम कबूल करते हो? अरे कबूल करना, इकरार करना, इनकार करना, ये तो सब बात की बात है। पहले आप इस केस के बारे में कुछ पूछिए तो सही। अब जुर्म आप कलकत्ते का बताते हैं और इकरार आप बंबई के जुर्म का करवाते हैं, जैसा भी कोई बात होती है। देखिए जैसा भी, हाँ बोल रहे हैं। देखिए हाँ बोल रहे, ठीक है। आप मुलजिम को जानती हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह। आपकी और उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जयपुर के होटल लेक पैलेस में एक पार्टी में मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी में बिठाने में मदद की और मेरे घर तक छोड़ा। सॉरी योर ऑनर। और इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और हमने मंगनी कर ली। शादी क्यों नहीं की? कैसे करती, शादी से 2 दिन पहले ये मेरे सारे जेवरात लेके चले गए और जाते हुए ये कह गए कि मैं इसे धर्मकांटे में चेक करवाने ले जा रहा हूँ। और धर्मकांटे से इन्हें लौटने की फुर्सत नहीं मिली? जी नहीं। That's all, Your Honor. मुल्जिम अशोक, आपका कोई वकील है? मैं खुद हूँ, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है। हाँ तो राजकुमारी रजनी देवी, आपने जब कहा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने आपको घर पे छोड़ दिया था, उस वक्त मैं हंस पड़ा था, आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा। आप बता सकती हैं मैं क्यों हंसा था? नहीं, नहीं बता सकती। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं।
राजकुमारी जी, उस दिन आपकी तबीयत खराब नहीं हुई थी, आप टुन थी, टुन। चार पैक जिन, तीन पैक ब्रांडी, साढ़े तीन पैक विस्की और आखिर में एक पैक ठर्रे का भी मार लिया था आपने। और फिर मस्त हाथी की तरह, आई एम सॉरी, हथनी की तरह आप मेरी गोद में गिर पड़ी और फिर आंख मारकर मुझसे कहा, डार्लिंग प्लीज लीव मी होम, जरा मुझे घर छोड़ दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुल्ज़िम इस तरह के सवालात करके मेरे मौकिल की तोहीन कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं आपके मौकिल की तोहीन कर रहा हूँ और अब तक आप मेरी शान में कसीदा पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो मान लेते हैं उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने आपको घर पे छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपने मेरी तरफ दोस्ती का कदम क्यों बढ़ाया, बार बार मुझे टेलीफोन क्यों करती रही? इसलिए आपकी चालों ने और मीठी मीठी बातों ने मुझे बेवकूफ बनाया था। अरे मीठी मीठी बातों से क्या मतलब? क्या उस वक्त मेरे मुंह से शक्कर गिर रही थी? अरे उस वक्त जिस तरह की बातें मैं आपके साथ करता था, उसी तरह की बातें आज मैं अदालत में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई असर ही नहीं। आई अगेन ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे वाह, हर बात पे आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, ऐसे कैसे चलेगा? फिर हम क्या बोलेंगे? आप जब बोलते हैं हमने कभी आई ऑब्जेक्ट कहा है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू सर। वकील साहब आप जरा आराम कीजिए ना। हाँ तो राजकुमारी जी, आपको एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो घर में शौहर, कार में शौफर और पार्टियों में जब आप तुन हो सपोर्टर हो। और योर ऑनर, छह महीने तक एक चाबी वाले खिलौने की तरह पार्टियों में, क्लब्स में, सोसाइटीज में इसके पीछे पीछे में जाता रहा, और जब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई तो आप इनके 50,000 के जेवरात लेकर गायब हो गए। नहीं वकील साहब, आपको गलतफहमी हुई है, 50 नहीं 60,000। वेरी गुड, तो आप इनके 60,000 के जेवरात लेकर गायब हो गए। नहीं 60 नहीं, मेरे ख्याल से 50 ही थे। तो आप इनके 50,000 के 50 नहीं नहीं एक मिनट 50। वकील साहब 50,000 ही थे। अरे शोर, तो आप इनके कितने के जेवरात थे? जज साहब ये केस लड़ना है। हाँ ठीक है, तो आप इनके जेवरात लेकर गायब हो गए। जी कबूल करते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। बस चूंकि तुमने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए अदालत तुम्हारे लिए 3 महीने कैद बामुशक्कत और 5,000 रुपया जुर्माना तजवीज करती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाएगी। हुजूर, सजा देने की क्या जरूरत है? मैं 5,000 के बजाय 10,000 जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दीजिए ना भैया। अरे दादा, अबे चेट्टी दादा, सो जा सर। अरे उस्ताद, फुटबॉल खेलने का मूड है क्या? ये शेट्टी दादा का सोने का जगह है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा था? कव्वाली गा रहा था। बकवास करता है। कौन से टपक पड़े? टपका नहीं, टपकाया गया हूँ। टपकाया गया? किसने टपकाया आपको? उस गंजू यमराज ने। गंजू यमराज ने? अरे यार, ए ए क्या बात है भाई? मैं नहीं, मेरा बाप। नमस्ते पहलवान जी, क्या बात है? ये उठा पटक क्यों कर रहे हैं आप? चल फुट फुट यहाँ से। फुट ये जगह पे हम सोता है। क्यों पहलवान जी, ये जगह आपके बाप दादों की है? अरे तू बाप का नाम है भाई। जिंदाबाद उस्ताद, जिंदाबाद। मालो तुम, हम मुंह से बात कर रहे हैं तुम हाथा भाई पे शुरू हो गया। लगता है तुम दोनों आज मेरे हाथ से मर जाएगा। यार तुम फिर से टपक पड़े। फिर से टपकाया गया भाई। ऐसा लगता है ये यमराज नहीं कोई भूत है। हाँ, भूत कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। एक हाथ का, एक बात का और एक लात का। ये स्पेशल है, बात का नहीं हाथ और लात का लगता है। हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले लड़ते रहे तो सुबह तक पिटते रहेंगे। एक काम करते हैं, मैं हाथ लगाता हूँ। हाँ? तुम लात लगाओ। हाँ ख्याल अच्छा। ना जाओ।
ये क्या है? अरे अरे अरे, ये क्या है? चार घंटे लगेंगे होश आने में। आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है भाई? आज सुबह ही आया हूँ भाई। मैं दो घंटे बाद छूटने वाला हूँ और चार घंटे बाद जब ये उठेगा तो आपको नींबू की तरह निचोड़ के रख देगा भाई। नहीं भाई, नहीं। क्यों नहीं? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। गुर्दे में गड़बड़ है, कलेजे में पत्थर है, सब झटके एक ही साथ लग रहे हैं। लगता है इसके पेट में अल्सर है। अरे अल्सर नहीं, कैंसर हो गया। कैंसर, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जल्दी ले चलो, मर गया। मैं चला, संभालो अपने आप को। अरे जल्दी से ले चलो। अरे मर गया। हॉस्पिटल यार, जान न पहचान, फिर तू एक अजनबी के लिए इतनी जान लगा के क्यों लड़ा था? पता नहीं क्यों यार, मन चाहा था। मगर तू तो ऐसा लड़ा था जैसे तेरा अपना भाई हो। अरे भाई की याद मत दिला, भाई मिल जाए तो उसके लिए जान भी दे दूं। अरे बेटा, ये तस्वीर तुम्हारे हाथ के लिए बहुत बड़ी है। तो हम दोनों के हाथ पर खो दो क्या? हाँ, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों हर चीज में बराबर का हिस्सा रखना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, आधा इधर आधा इधर। बच्चा है, चल। कमरे में धुआं बहुत है। आइसक्रीम खा लो। हाँ। क्या
क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं, मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। सोचता हूँ कब तक हम लोग धोखेबाजी का काम करते रहेंगे। मैं कल ही तुझे किसी बोर्डिंग में डालता हूँ। और तुम? मुझे तो मामा मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। मैं वहीं रहूंगा जहाँ तुम रहोगे। हाँ किशोर, चुप हो जा। किशोर चुप हो जा, सुन मेरी बात सुन। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की जरूरत होगी ना? हाँ। इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। मैं वहां पढ़ाई करूंगा और तुम यहाँ चोरी का धंधा करोगे तो क्या हुआ? जब तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तब मैं सब काम छोड़ दूंगा, तेरे पास आकर रहूंगा। तू कमाएगा और मैं घर पर बैठकर खाऊंगा। अबे कहाँ ले जा रहे हो इसको? स्कूल ले जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अच्छा तो नवाबजादे पढ़ने जाएंगे? अरे चिड़ी के चौको तो हम लोगों का क्या होगा? अच्छा तो हम लोगों ने आपका ठेका ले रखा है। हम काम पे नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? लाना जी जरा छड़ी, बहुत चर्बी आई है इसे। चल अंदर जल्दी से कपड़े बदली करके काम पे जा, वरना छठे का दूध याद दिलाएंगे। कपड़े बदलो, धंधे पे जाना है। हाँ किशोर, नहीं किशोर, किशोर जिनके पास अकल होती है वो हाथ पैर से काम नहीं लेते। तो फिर क्या करेंगे हम? मामा मम्मी की छुट्टी अकल से करेंगे। मिला हाथ नहीं आए। ओम 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 ओम। बहुत पहुंचे हुए बाबा, हर जगह इनकी चर्चा है। जोगन मैया, पर ये है कौन? हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, सब जगह इनके नाम का डंका है। कोई कहता है खोपड़ी वाले बाबा हैं, कोई कहता है संत ज्ञानेश्वर ने जन्म लिया। जन्म लिया? बाबा मेरे बच्चे को बुझाइए, बाबा बाबा मेरे बच्चे को बुझाइए, बाबा मेरे बच्चे को बुझाइए। क्या कष्ट है इस बालक को? बाबा ये मेरा अकलौता बेटा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहते हैं कैंसर है। तू बैठ बुड्ढे, वरना तुझे भी कैंसर कर दूंगा। नहीं बाबा, अपना चमत्कार दिखा दो, राख मल दो, मेरी किस्मत खोल दो। अभी दिखाते हैं। हाँ बाबा। अरे पापा ये क्या? एक और ट्राई मार दो। अबे दूसरी जेब से निकाल। अरे चुप रहे, लोग सुन रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा नहीं मम्मी, बाप कहो बाप। अरे नीचे बैठ नीचे। अरे नीचे नहीं होगा मामा, अब तो ऊपर। ऊपर 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 ऊपर। आइसक्रीम तो पिघल गया।
तुमने खाया नहीं? क्यों बाबू, क्या थो वापस कब आई वो? अबे अभी ठीक से बाहर निकला नहीं कि तू वापस आने की बात कर रहा है। ओहो, तेरा नंबर, अपना लकी नंबर। हवलदार जी, आज तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। टच से। अच्छा आप जल्दी से दूसरा तेरा नंबर बता दे। अरे साहब वो तेरा नंबर का तो मेरे को मालूम है, वो तेरा नंबर में डॉक्टर पांडे रहते हैं। होमो 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 पैथी हो। ओह होम्योपैथी डॉक्टर। क्या मैं क्या डॉक्टर नहीं हजाम हूँ? अरे जरा धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, हजामों ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा मानेंगे। देखो जी, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम क्या जानो हम क्या हैं? हम जहाँ से गुजरते हैं लोग हमारे पैरों पड़ते हैं। देखा हमारी शान। कौन हो भाई, उठो भी तो, उठो। कौन हो तुम? चाचा जी। चाचा जी घर में कोई बीमार है? चाची जी प्रणाम। अरे छोड़ना, अरे क्या कर रहा है, छोड़ना, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी, छोड़। पहचानिए तो कौन हूं मैं? ए? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अजी तुम जानती हो इसे? अरे तुम्हारी तो हजारों गुंडे मवालियों से दोस्ती है, मैं किस किस को पहचानती फिरूं? तुम ही बोलो भाई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं बताता हूँ। चाचा जी, आपको ये तो याद है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे बड़ा अच्छा सा नाम था, क्या नाम था? हाँ रामपुर, रामपुर। अरे बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? रामपुर नहीं लक्ष्मणपुर। लक्ष्मण चाची, ओ लक्ष्मण चाची, राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, तो लक्ष्मणपुर और रामपुर में क्या फर्क है? एक ही तो बात है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल। अच्छा चाची आप ये बताइए, आपके घर के दाएं बाजू किसका मकान था? दाएं बाजू किसका मकान जी? अरे दाएं बाजू किसी का मकान था ही नहीं, घोड़े का अस्तबल था, ये कोई चोर चक्का मालूम होता है। चाची मैं तो जरा सस्पेंस मार रहा था, नाक सीधे तरीके से मुझे पकड़ी नहीं जाती। बाएं बाजू किसका था? बाएं बाजू किसी का मकान नहीं, पीछे किसका था? रामदास। तो रामदास का ही तो बेटा हूं मैं। चाची पिताजी ने कहा था कि शहर आते ही सीधे आपसे मिलूं। रामदास का बेटा है तू, कितना बड़ा हो गया है। मगर रामदास को तो कोई औलाद थी ही नहीं। अरे हाँ, खामखा रुला दिया यार। चाचा जी मैं उनके भाई जमनादास के बेटा हूँ। रामदास जी ने मुझे गोद लिया था। चाची तुम्हें याद नहीं, जब पिताजी की तबीयत खराब थी, उन्हें ब्रेन में अल्सर था और हर डॉक्टर ने इनकार कर दिया था, तब चाचा जी ने दो खुराक मीठी मीठी गोली देके उन्हें ठीक किया था। देखा, और तुम मुझे डॉक्टर मानती ही नहीं। क्या कहा? डॉक्टर नहीं मानती? ओहो चाची, हिंदुस्तान में अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाचा जी है। आप डॉक्टरी की कोई भी किताब उठा लीजिए, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक इनका नाम, इनका फोटो छाया हुआ है। किसी भी अस्पताल चले जाइए, हर नर्स हर डॉक्टर इनकी नाम की माला जपते। और चाची मैंने तो ये भी सुना है कि सरकार इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली है। सुन लिया तुमने, मुझे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अरे श्रद्धांजलि मुर्दों को अर्पित की जाती है, समझे? अभी देखता हूं, अभी देखता हूं। क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं, बेहोश हो गया। अरे तो जल्दी से डॉक्टर बुलाओ ना। मेरे जीते जी इस घर में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं आ सकता। कोई बात नहीं। हाय राम, ये तो खांसी की दवाई है। अरे कैल्केरिया फॉल सिर्फ खांसी में नहीं, बहुत सी बीमारियों में दी जाती है। मगर तुम चुप रहो, जाओ जाकर सो जाओ, इसको रात भर आराम करने दो, मेरी दवाई से सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर रात में कहीं मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? अरे सुनो तो, क्या करें, भूख बहुत लगी है। दूध
सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पी ले। ये है मेरी दवा का कमाल। चाचा जी। क्यों बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दवा ने मेरे बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा, जल्दी से तैयार हो लो, नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। अजी सुनते हो? क्या हुआ? चाय कैसे बनाऊं? क्यों? पतीले में दूध तो है ही नहीं। तुमने पी तो नहीं लिया? मैंने? हाँ। अरे तुमसे शादी के बाद पानी तो हलक से उतरता नहीं, दूध कहाँ से पीऊं? फिर वही बात। इस रुच्चे ने पिया होगा। अच्छी, मैं कैसे पीता, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर मैंने ही कहीं रख दिया होगा। देखो क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। क्या बड़बड़ कर रहे हो? चाचा जी क्या बताऊं, कल यहाँ आते आते किसी ने मेरी जेब मार ली। जेब मार ली? कितने रुपए थे? अब रहने दीजिए ना। अरे रहने क्या दे, तुम्हारे चाचा के होते हुए फिक्र किस बात की? ये लो 50 रुपए रखो। नहीं चाचा जी। अरे रखो ना, काम आएगा, रखो रखो। अच्छा चाचा, आप कहते हैं। हाँ, तो रख लेता हूँ। हाँ, ये 20 क्यों? ये मेरा असूल है चाचा जी। क्या चाचा जी, आज तक मैंने जिस किसी से भी पैसे लिए ना, हाँ, सिर्फ 20 रुपए लिए। ये क्यों? देखो ना चाचा जी, अगर ज्यादा लूँ तो ऐशिया हो जाएगी। हाँ, और कम लूँ तो महंगा भी पटवाड़ेगा। अरे नटखट। प्यार की अपनी कमाई प्यार की, ना कर्जा ना हुंडी, सीधा साधा मुझको समझो या कहो पाखंडी। हे भाई अपनी कमाई प्यार की, ना कर्जा ना हुंडी, सीधा साधा मुझको समझो या कहो पाखंडी। दस दस के दो या दो दो के दस, अपने लिए है बस भाई बस। दस दस के दो या दो दो के दस, अपने लिए है बस भाई बस। दस दस के दो नोट का पर्चा, काफी है दिन भर का खर्चा। दस दस के दो नोट का पर्चा, काफी है दिन भर का खर्चा। पास रुपया बीस है तो मुझसा कौन रईस है, तो मुझसा कौन रईस है। ना मैं किसी की जेब काटूं, ना कहीं मारूं डंडी, सीधा साधा मुझको समझो या कहो पाखंडी। ए भाई बस बस बस, अभी आया भाई साहब। भाई साहब एक काम कीजिएगा, हर एक मिनट बाद हॉर्न बजाते रहिएगा। ये सामने दुकान के मालिक हैं तो अपने दोस्त, लेकिन चिपकू हैं, शाम तक नहीं छोड़ेंगे। भूलना नहीं, हर एक मिनट के बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
ये टीवी सेट कितने? 4500 का। बहुत अच्छा, बांधो। और कुछ सर? हाँ बस ये कितने का? 1500 का। हाँ बांधो बांधो। ओहो, अरे भाई आता हूँ। हाँ वो कितने का? ये 6500 का। बस आते भाई। ये डेक कितने का? ये 2500 का। बस बांध दीजिए। ये कितने का? 800 रुपए का साथ। ये भी बांध। आज तो लगता है किसी अच्छे आदमी का मुंह देखकर घर से निकला था। मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा है। अब देखिए भाई साहब, ये उल्लू के पट्टों के पास 100 रुपए होते हैं, नहीं 100 रुपए के छुट्टे भी नहीं होते हैं, और 20 रुपए बिल्ले और टैटा कर रहा है। ये बदतमीजी है कि नहीं? सिर्फ 20 रुपए से मैं भी जाता हूं। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? ये 20 रुपए मुझे दीजिए, मैं उल्लू के पट्टे के मुंह पे मार के आता हूँ। अब बिल बनाए, आप पैक कर दीजिए। जब ये रकम चुक मुक जाती है, शाम इसी में हो जाती है। जब ये रकम चुक मुक जाती है, शाम इसी में हो जाती है। फिर क्या गम है शाम के बाद, तेरवा नंबर है आबाद, तेरवा नंबर है आबाद। वहां डिनर के संग मिलेगी छांव भी ठंडी ठंडी, सीधा साधा मुझको समझो या कहो पाखंडी। ठीक है, जला लो। जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी सिगरेट में खुद ही जलाता हूं, क्योंकि जलाने वाला अक्सर मतलबी होता है। मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूं। वो तो जानता ही था मैं, इसलिए तो अपनी सिगरेट नहीं जलाई। हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। मैं किसी बॉस वॉस को नहीं जानता, अपना बॉस मैं खुद ही हूँ। मगर वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बड़े आदमियों को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बड़ा आदमी सबको जाने। आशा बेटी, आशा बेटी, अपना किशोर आया है। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मेरा बेटा आया है, तेरा भाई आया है। इतनी जल्दी फूल गए? मुझसे तो कह रहे थे कि आने दो उसे, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आने दो, कोई उसे बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हाँ अरे चाचा आ गए। अरे राजू बेटा, ये नहीं मानेगा। ए राजू, चाचा कैसा, मम्मी कैसी है? सब फर्स्ट क्लास। हाय, ये ले। हाय, आदाब चाचा। छोड़ दे मुझे। तुम है ना चाचा, क्या हुआ? दूर हट, मुझे बात मत कर। क्यों राजू, चाचा को छूता हूं तो कहता है हाथ मत लगा मुझे, पहना कहती है दूर हट, बात मत कर मुझसे। अरे भाई, जो इतने दिन बाद इतने घर आया है उससे ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? मैं भी गुस्से में हूँ, मैं भी नहीं बोलूंगा आपसे। अरे अरे बहन, ये क्या हो रहा है? अरे भाई ले देखे, इस दुनिया में ढाई तो रिश्तेदार है मेरे, एक तू, एक चाचा और वो आधा राजू। अब तुम लोग भी मुझसे ऐसा बर्ताव करोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? वहीं पर जहाँ महीनों गुजार कर आते हो। ओहो, अरे भाई एक बार तो कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मैं सरकारी मेहमान हूँ, उनका नौकर हूँ और उनके काम के लिए कभी अंदर कभी बाहर जाना पड़ता महीनों तक। मगर ऐसा कौन सा काम है, बताता क्यों नहीं? क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? आज तक तुमने अपने दिल की बात बताई है, जो मैं बताऊं? मैंने क्या छिपाया है? क्या छिपाया है, क्या नहीं छिपाया मुझसे? मैंने हमेशा तुम्हें
अपनी बहन अपनी भाभी जैसे समझा, अपनी माँ के समान समझा है, लेकिन तुमने तुमने आज तक मुझे अपना नहीं समझा। गलत बात करे तो एक चपत लगाओ। लगाओ ना, जिंदगी में आज तक ऐसा चपत लगाने वाला ही तो नहीं मिला, इसलिए जिंदगी बिखर के रह गई। कितने साल हो गए, कभी आज तक तुमने मुझे अपना समझ कर ये बताया कि खुदकुशी क्यों करने जा रही थी? क्या गम है तुम्हें? तुम लोगों से बहुत प्यार मिला मुझको, कभी गैर होने का एहसास नहीं होने दिया। कई बार मैंने सोचा अपनी दुख भरी कहानी सुना दूं, मगर तुम लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा अपने आप को रोक लिया। दुख बताने से दुख बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है। हाँ किशोर, ये सच है, मैं आज तक अपने आप को धोखा देती रही, उन्हें बुलाने की कोशिश करती उतना ही वो मुझे याद आते, उनकी मोहिनी सूरत, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, उन आंखों में मेरे लिए प्यार का गहरा समंदर, लगता है आज भी वो मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, पहले कभी देखा नहीं क्या? मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो इन गहनों को देख रहा था। क्यों? बेचारों की हालत पे रहम आ रहा है। क्या? गहने तो वो पहनते हैं जो खुद कुछ नहीं होते और खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो खुद ही खूबसूरती का एक बेमिसाल गहना, तुम पर ये गहने ऐसे लगते हैं जैसे चांद पर कौवे आकर बैठे हो। अरे मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और तुम मजाक समझ रहे हो। हाँ वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस कमरे में गहने पहनकर आना अशुभ है। अशुभ? हाँ, जितनी भी लड़कियाँ गहने पहनकर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ इस कमरे में आई हैं, सुबह या तो गहना गायब या लड़की गायब या तीनों गायब। अरे तुम फिर हंस रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिनों यहाँ एक जोड़ा आया था, कपल नेचुरली हनीमून के लिए, पहले तो वो दोनों एकदम एक दूसरे के करीब बैठ गए और फिर लड़के ने लड़की के गले में हाथ डाला और फिर धीरे धीरे हार निकाल दिया और फिर सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरते फेरते झुमके उतार दिए और फिर लड़की का हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे प्यार से सहलाते सहलाते कंगन निकाले, सब साफ करके लड़की की घड़ी निकाल के लड़का कहने लगा, अरे इतनी देर हो गई, नीचे गाड़ी वाला खड़ा है, उसे पैसे देने। ये कह के सब माल जमा करके वो चल दिया। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अब इस अशुभ चीज को पंडित जी के हवाले करने, वापस जाते वक्त ले लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस लड़के की तरह मैं भी गहने लेकर गायब हो गया, वापस न आया, तो खुद नुकसान में रहोगे। नुकसान? नकली है क्या? इसलिए कि मैंने तुम्हारा एक गहना चुरा लिया है। अब मेरा गहना? कौन सा? तुम्हारा दिल। ये इन गहनों से ज्यादा कीमती है और इसे लेने के लिए तुम जरूर वापस आओगे। मैं उनका इंतजार करती रही लेकिन वो वापस नहीं आए। मैंने बहुत तलाश किया, घर वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। खुदकुशी के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। Thank you.
बार तुम लोगों के प्यार ने मुझे दोबारा जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो कोई अपना ही भाई मालूम होता है, अपने ही टाइप के धंधे में है, कभी मिलेगा तो निपट लूंगा। बाबा मैं सच कहता हूँ, मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहना चोरी करके ले गई। अरे चुप रहना यार, दो महीने से रात दिन दारू पी के एक ही रट लगाता है, वो मेरा गहना ले गई, वो मेरा गहना ले गई, वो मेरा गहना ले गई, ले गई वो, ले गई, मैं उसका गहना चोरी करने गया, वो मेरा गहना चोरी करके ले गई। तेरी कसम है, तेरी कसम, मेरी कसम, माँ बाप को तो देखा ही नहीं है मैंने, मेरा एक ही जिगर का टुकड़ा है, मेरा मुन्ना, उसकी कसम, मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहने चोरी करने ले गई। अरे यार तू चुप रहता है क्या? चुप रहूँगा? किसी के बाप का गया है मैंने? जो सच है वो बोल रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहना चोरी करके ले गया। अरे यार तू तो दारू पीना हराम कर देता है। अबे साले मेरा जीना हराम हो गया, तुझे अपनी दारू की फिक्र पड़ी है? ये देख, हाथ लगा, देख खाली है ना, कोई आवाज आ रही है नहीं ना? वही तो, उसको जाना जाने करने के लिए वो मेरा गया। तू बात कर रहा है? लिपि, लिपि है ले, ले। एक बात बताऊं तेरे को, मैं उसका गहना चोरी कर गया। लवाचे सर, पूरे 5,000 है, तुमसे बात करनी है। तो काम करोगे? तो फिर नोट जेब में क्यों रख ली है? मुझसे बात करने की फीस। बात करने की फीस? गला छोड़ दे वरना 5 के 50 हो जाएंगे। 50,000? हाथ पांव में फुर्ती, दिमाग में तेजी और शक्ल पे खूबसूरती, इतनी सारी खूबियां एक इंसान में कहां मिलती हैं? तभी हमारे पीछे पड़े हो, दीवानों की तरह तुम्हारे लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कभी तो हमारा भी ख्याल करो यार। अब जाके तुम्हारे पांव जमीन पे टिके हैं, हवा में काफी उड़ रहे थे। ये रख लो तुम्हारे पैसे, शेर को घास नहीं डालते। तुम ठीक कह रहे हैं मेरे दोस्त, शेर के लिए एक बहुत बड़ा शिकार तैयार है,
आओ मेरे साथ, कम ऑन। इसके हर दिन की शुरुआत इसी तरह होती है। इसके मास्टर का कहना है कि ऐसी तेज और स्मार्ट लड़की उसकी नजर से नहीं गुजरी। थोड़े ही अरसे में उसने ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लिया। जिस बेचारे के साथ इसकी शादी होगी वो सारी जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजारेगा। और हर शाम का प्रोग्राम इस क्लब में, ये अपने मुकाबले का मर्द या फिर अपने प्रिंस चार्मिंग की तलाश में आती है, लेकिन ये मगरूर लड़की किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। क्या इरादा है? इरादा नेक है। आप अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दीजिए और 1 लाख कैश। 1 लाख? करोड़ों के लिए 1 लाख का जुआ नहीं खेलोगे तो क्या खाक हाथ में आएगा? और वो करोड़ हाथ में नहीं आए तो? तो मैं आपके आदमियों को सही सलामत वापस भेज दूंगा। और वो लाख? वो मैं नहीं दूंगा। क्या? वो नहीं दूंगा, 10 लाख वापस करूंगा। वादा? चोरी के धंधे में वादा नहीं, भरोसा होता है। That's it. Come on girls, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। लेकिन जाना कहाँ है? खंडाला। जो सबसे पहले पहुंचेगा मैं उसे 10,000 रुपए दूंगी। Let's go. लेंगे। रेस में तो लोग 5-7 सेकंड लेट पहुंचते हैं। इन लोगों का तो पता नहीं किधर है। लेकिन रेस में कार का इस्तेमाल होता है, उनमें कार का इंजन होता है, हवाई जहाज का इंजन नहीं होता। अरे ये तो इंजन का कमाल नहीं है, ये तो चलाने वाली का कमाल है। तेरे कमाल ने तो हमारा बदहाल कर दिया। कुछ खाने का सामान हो तो निकालना, बड़ी बुरी हालत है। डिक्की से निकाल ले, चल। अरे क्या हुआ? ये क्या चीज है? कौन हो तुम? ए, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं कौन हो तुम? कौन हूं मैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले बताइए कि आप में से कौन गाड़ी चला रहा था? गाड़ी मैं चला रही थी। क्यों? गाड़ी आप चलानी थी? ये को तेरे क्या गाड़ी चलाने का लाइसेंस कहाँ आपका? कहाँ है लाइसेंस? कौन होते हैं आप लाइसेंस देखने वाले? कौन होता हूँ मैं लाइसेंस देखने वाला, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए कि शहर से इतनी दूर मुझे लाने की जरूरत कैसे की आपने? मैं आपको लाई हूँ, आप गाड़ी की डिक्की में घुसे कैसे? गाड़ी की डिक्की में मैं कैसे घुसा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। एक तो चोरी, उसमें सीना चोरी। हाँ पीटी,
क्या हुआ, किससे लड़ रही है? ये कोई पागल नजर आ रहा है। ठीक है मैडम, आप मुझे पागल नहीं कह सकती। ऐसे तो नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? ये आपने क्या दिया? पुलिस? पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस से भाग कर यहाँ तक पहुँचाऊँ? पुलिस से? जरूर कोई चोरी करके भागे होंगे। नहीं मैडम, पुलिस की वर्दी छोड़कर भागा हूँ। भाई की सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसमें भर्ती हो जाऊं, लेकिन मैंने कसम खा रखी है कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन भर्ती नहीं होऊंगा। लेकिन आप लोग ये तो बताइए कि मैं कहां गया हूं? खंडाला हो गया दीवाला, अब मेरा क्या होगा? मुझसे पूछकर घुसे थे अंदर? अच्छा, आपसे पूछकर तो घुसा नहीं था अंदर, लेकिन घुसकर तो पूछ रहा हूँ। देखिए मैडम, एक शरीफ आदमी अपना सर छिपाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए अंदर घुस गया तो क्या हो गया? लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं वापस कैसे जाऊँ? आप कहना क्या चाहते हैं? मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि आप गाड़ी में बैठिए, मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ, होले होले चलेंगे, बातों में शहर तक पहुंच जाएंगे और पहुंचने तक आप मुझे जान जाएंगी, मैं आपको जान जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। चल ना प्रीति, किसके मुंह लग रही है, चल ना, चलो ना। हाँ, चलते हैं। ठीक है मैडम, जाना तो आपके साथ ही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कैसे? ऐसे। चल बैठ ना, पहले एक प्रॉमिस कर कि गाड़ी ठीक से चलाएगी। कभी कभी सोचती हूँ कि उस बेचारे का क्या होगा जो तेरी जिंदगी में आने वाला है। क्या मैं आ सकता हूँ? लो आ गया। कौन साहब है आप? अजी वक्त का मारा हुआ, दुनिया का सताया हुआ, जेब कटाया हुआ, शहर से यहाँ आया हुआ एक ऐसे रहबर की तलाश में जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। इतनी लंबी बात मेरी समझ में नहीं आती, जरा शॉर्टकट में बोलिए। शॉर्टकट तो शॉर्टकट ऐसा है कि कोई हमारी जेब काट गया है। अगर आप हमें यहाँ से शहर तक की लिफ्ट दे दें तो परवरदिगार आपकी चारों जेबें भर देगा। चारों जेबें? चारों जेबें। एक जेब सूरत की, एक जेब सीरत की, एक जेब दौलत की, एक जेब मोहब्बत की। आपकी मोहब्बत की हंसी हमें इजाजत का सिग्नल दे रही है। चलिए चलिए, इससे पहले कि आप अपना इरादा बदल दें, हम बैठे जाते हैं। क्रेजी गाय। बब्बा बब्बा, क्या खुशबू है, कौन सा इत्र लगाया है? मोहतरमा, आपने तो हमें अपनी जवानी याद दिला दी। माशाल्लाह, जवान तो आप अब भी लग रहे हैं। मोहतरमा, बाहर से हम बूढ़े हैं पर अंदर से मन तो अब भी जवान है। मोहतरमा, आपके सरताज मुअज्जम कौन है जी? वो नहीं समझे, मेरा मतलब है कि आपके शौहर कौन है, आपके खाविन कौन है, आपके हस्बैंड कौन है? अब तक हमने किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो हमारा शोहर बन सके। यानी कि आप तनहा में हैं, आपको आ रही हैं? जी हाँ। अल्लाह करम, अल्लाह करम। मुझे तो आजकल के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते, आपके नजर में कोई लड़का है? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम नजर आता है, उससे तो नजर हटाने को जी ही नहीं करता। अच्छा, रहता कहाँ है? अपने ही शहर में। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला भी अपना ही है। और घर कहाँ है? घर भी अपना ही है। बड़े मियाँ, कहीं आप अपनी बातें तो नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ कह दें तो। अरे बड़े गलत मौके पर ब्रेक मार दी मातमा, बात मंजिल तक पहुंच रही थी। आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उतर जाइए। अरे जरा उस गली में मोड़ ले लीजिए ना। जी नहीं, इस गली को आप खुद पार कर लीजिए। अरे आप क्या पार कर सकेंगे, टैक्सी में जाना होगा और टैक्सी में कम से कम 20 रुपए तो लग जाएंगे और आप जानती हैं अपनी जेब कट चुकी है, फूटी कौड़ी नहीं। ओफो, ये लो फूटी कौड़ी। नहीं, दुनिया से ले सकते हैं, आपसे नहीं। ओ, याद ले लीजिए, ले लीजिए, हम ये रख लेते हैं यादगार। बाय। Thank you.
कहूँ सनम कहूँ के दिल रुबा नहीं 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 इतना हसी कोई कहीं है दूसरा नहीं नहीं तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ के दिल रुबा नहीं 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 काश वो दिन आए तुमसे प्यार की बातें करूं काश वो दिन आए तुमसे प्यार की बातें करूं प्यार की बातें करूं इकरार की बातें करूं जो हर बात हो जाए इकरार की शुरू हम करें जिंदगी प्यार की मास्टर हो अरे मास्टर का इन्हीं हवा में उल्टे सीधे हाथ चला लेता आओ एक दो हाथ हमारे साथ भी हो जाए जी नहीं आप तो मास्टर हैं मैं तो अनाड़ी हूँ आप राजा हैं मैं भिखारी हूँ आपका और मेरा क्या मुकाबला ये क्यों नहीं कहते कि डर गए आप इसमें डरने की क्या बात है आठ दस हाथ ये मारेंगे तो दो चार हाथ मैं भी मार दूंगा और अगर नहीं मार सका तो मर जाऊंगा और क्या मरना तो यूं भी है चलिए मास्टर जी इनकी खातिर एक दो हाथ हो ही जाए लेट्स पार्ट सॉरी औरत के साथ लड़ने में मर्द की दोनों तरफ हार है अगर जीत गया तो लोग कहेंगे देखो बुजदिल को औरत पे हाथ उठा और अगर हार गया तो लोग कहेंगे देखो नालायक को मर्द होकर औरत से हारा ऑल द बेस्ट मेहरबान कनाडान इधर लगाओ ढान ये सबसे पुराना पुतला है इसको सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने खरीदा चुपनी मत पसानों का बकाया था आज फिरोज आपके सामने लाके इसको बेचता है अकबर बादशाह ने इसको अपने दिल से लगाया तू सानो चिपकट पान शहंशाह ने इसको अपने साथ तखट के ऊपर बिठाया आज फिरोज आपके सामने इसको लाके बेचता है आवाज दो आवाज दो आवाज दो तू सानो मोलेज एक सौ रुपया सौ रुपया इसको देखने का टिकट लगता है
200 रुपया। तुम जाके सिंह चला खाओ ने, कायकू तुम्हारा हमारा टाइम बर्बाद करता है। अब इधर फकीर लोग को कांठी आवे गया। 1000। 1000 रुपया बेबी, तेरा मोहरा में घी सक्का, नहीं तो मने हमने आवटा था चक्कर। 1000, 1000, एक बार, 1000, दो बार, है कोई मर्डर का लाल जो इसके ऊपर भी बोलने वाला हो। 1000, 2000, 2000, 2000। साहब तुम्हारा उम्र 50,000 साल, मैम साहब तुम्हारा कचरा हो गया। 10,000, 10,000 साहब अभी तुम्हारा कचरा हो गया। 15,000, 15,000, अरे वाह वाह बेबी जो तुम हार गए अभी। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, एक बार, 20,000, दो बार, 20,000, 25,000, 25,000, अरे उन तो गांडो ठहर गया बस, कहीं गांडो ठहर गया बस, अरे 25,000, मर गया, चुप बने, 25,000, अरे 20 वाली चली गई, 25 वाला ने पकड़ो, 2000 ने मालना, 25 आवे चे, 25,000, 1, 2, 3 बार, पुटला पकड़ो, माल दियो। राजा रणबीर सिंह जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। What do you want? मैडम आपकी शक्ल जितनी अच्छी है दिमाग उतना ही खराब है। इतना घमंड अच्छा नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े शहंशाहों का घमंड टूट गया है, फिर हमारा आप क्या चीज है। शेर को भी अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, लेकिन जब वो मर जाता है जानती हो क्या होता है? कीड़े उसे खा जाते हैं। क्या कीड़े? दरअसल मैं आपके लिए ये खूबसूरत तोहफा लाया था। मेरी नजर में इसकी कीमत इससे ज्यादा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये उस मेम साहब की गाड़ी में रखते हैं। तमाम गुलदस्ते देखा आपने? डैडी कहाँ है? पार्टी से अभी तक नहीं आए। राजकुमार साहब, आपने भी हमारे जैसा शायराना मिजाज पाया। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अरे इसीलिए तो हम। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ हिंदी में बड़ा रस है जुबान, क्यों भाई साहब? इसमें क्या शक है? गो अहेड। भाइयों और बहनों, आज आप सब हाजरीन को यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि धौलपुर में गरीबों के लिए एक 20 माले का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसकी इमारत, जमीन और अस्पताल के साजो सामान के लिए राजकुमार साहब ने 50,00,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब हम ये चाहेंगे कि इस इमारत के लिए आप सब अजीम और महान शहरी हमारा साथ दें, राजकुमार साहब का साथ दें। क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ उठा रहे हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? हमारे पैसे और आपके पैसे एक ही तो हैं। जब तक 4 पैसे हैं आपके लिए हमें खर्च करने दीजिए, जब खत्म हो जाएंगे, मेरा मतलब है जब खलास हो जाएंगे, तब आपके चौखट पर आकर बैठ जाएंगे। बेटे
लेते हैं। अरे वहाँ पार्टी में भी कमाल हो गया, एक ऐसे नौजवान से मिलकर आया हूँ, तू देखेगी तो पागल हो जाएगी। हाँ और मैं जिससे मिलकर आई हूँ आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। अरे सुन तो, खानदानी रईस है, दौलत की इंतहा नहीं। आप रईस की बात करते हैं, ये तो किसी रियासत का राजा मालूम होता है। अरे वो भी राजा ही है मगर क्या इंसान है, गुरूर का नामो निशान तक नहीं। ये तो ना खुद मगरूर है ना दूसरे को गरूर करने देता है, बातें ऐसी करता है लोहा हो तो भी पिघल जाए। होगा होगा, उस जैसा बातें करने वाला इंसान तो मेरी नजरों से आज तक नहीं गुजरा। और कितना खूबसूरत आदमी। आप वाले तो सिर्फ खूबसूरत ही होगा, ये तो वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी, कोरा रंग, बड़ी-बड़ी आंखें, दरमियाना कद। तू किसकी बात कर रही है? बात कर रहे हैं। अरे मैं तो राजा रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ, ये सारे फूल उन्होंने ही भेजे। ओ आई सी, यानी कि तेरी मेरी पसंद एक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहली बार तुझे लड़का पसंद आया। हाँ अब ये लड़का हाथ से भी जोड़ना चाहिए। टेलीफोन कर डैडी। चीयर्स। हेलो। अरे भाई मैं राय बहादुर बोल रहा हूँ। राय बहादुर जी? हाँ हुक्म। वो रणवीर सिंह है जी, वो तो बैंगलोर चले गए हैं, उनसे मुलाकात करनी है जी। वो तो वही होंगी पैलेस में ठहरे हुए बैंगलोर में। जी हाँ जो हुक्म। लगता है बुढ़ो पूरी तरह हमारी बोतल में उतर गया है। अरे लेकिन बोतल में सारी दौलत हमारी झोली में कब उतरेगी? रिलैक्स सनी रिलैक्स। यू नो ही इज राइट, अगर जल्दबाजी की तो दौलत के पीछे पीछे पुलिस भी हमारी झोली में उतर आएगी। राय बहादुर खुद अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगने आएंगे। रियली एक्सलेंट न्यूज। रिलैक्स रिलैक्स, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैदान बिल्कुल साफ है, एक बार शादी हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज तक सिर्फ मेरी एक बेटी थी लेकिन आज दामाद की शक्ल में मुझे एक बेटा भी मिल गया। अब मैं रिटायर्ड जिंदगी गुजारूंगा, इसलिए मैं अपनी दौलत और जायदाद इनके सुपुर्द करता हूं। Oops. अरे ये क्या कर रही हो? क्यों गिर गई? तो गिरूंगी कैसे, मुझे बचाने के लिए ये हाथ जो है। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं अभी कैमरा लेके आता हूं। प्रीति को मारने के बाद तुम गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कोगे, गाड़ी पर आग लगाओगे और उस गाड़ी को खाई में फेंक दोगे। इसके बाद तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाता है और तुम अपना हिस्सा लेकर यहां से हमेशा के लिए रवाना हो जाओगे।
अरे कमाल यार, तुम कुछ बोले नहीं रहे, आधा घंटा हो गया तुम प्लान समझाए हुए, कुछ राय दोगे भी या नहीं? अरे प्लान में कुछ गड़बड़ है? तुम्हारे प्लान के सब सीन्स अच्छे हैं। राय बहादुर की लड़की से मेरी शादी होगी, उसके बाद सारी जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी और फिर हम दोनों हनीमून के लिए चले जाएंगे। लेकिन गाड़ी के नीचे उसे कुचल कर मार डालना, यहाँ गड़बड़ा है। क्या मतलब? मतलब मैं खतरनाक से खतरनाक काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जान लेना, ये बात मेरे किसी भी प्लान में नहीं आ सकती। तो तुम्हारी मर्जी क्या है? भाई जो मैंने पहले कहा था, काम मेरी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से। दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा और हाथ का इस्तेमाल कम होगा। ओके डन। मैंने कहा ना, हाथ का इस्तेमाल कम होगा, दिमाग मिल गए काफी है। यो, आप भी कुछ बोले। रिलैक्स सानी, रिलैक्स। एक बार शादी हो जाने दो, फिर हम सब संभाल लेंगे। हमारे राजकुमार साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं, वैसे कभी कभार ये ट्रंकॉल्स वगैरह आ जाते हैं इसीलिए, और आप तो समझते ही हैं ये आदमी के लिए। हेलो, खुशामदी। हेलो बेटे, कैसे हो? बस ठीक। आप अकेले आए हैं? नहीं, अकेले तो नहीं आए भाई, हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हमारे साथ आए, कादर खान। कादर यहाँ हो भाई। आओ कादर, आओ भाई। राजकुमार, यह है कादर खान, हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील। तुमने इनका नाम तो सुना होगा। और आप हैं राजकुमार रणवीर सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हैं राजकुमार। हाँ जी। अरे भाई, करोड़ों का बिजनेस है, भगवान की दया से करोड़ों का क्या, अरबों का बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका अरबों का बिजनेस है। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जी, देखा होगा। वैसे कहाँ देखा? अरे भाई, इनकी याददाश्त की मत पूछो। दरअसल हुआ यह था कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इनका, जिसमें ये अपनी याददाश्त खो बैठे थे। शुक्र है। अजी, मेरा मतलब है, कुछ लोग तो अपनी जान खो बैठते हैं, आपने तो सिर्फ अपनी याददाश्त खोई है। कोई फिक्र नहीं, आ जाएगी। आ जाएगी। वैसे क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। आइए आइए। हाँ चलो चलो चलो, अब चलो कादर आओ। राजकुमार, पिछली मरतबा जब मुलाकात हुई थी ना, तो मैं एक बात पूछना भूल गया था, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है? जी हाँ है, माँ, रानी माँ। अगर उनसे मुलाकात हो जाती तो बड़ा ही अच्छा होता। जी लेकिन वो तो तीर्थ पे गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब आ रही है वो? जी अगले हफ्ते। मैं चाहता था कि अगले हफ्ते आप सब लोग मेरे गरीब भाई में तशरीफ लाते तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? जी बात यह है कि रानी माँ ने दुनियादारी को बिल्कुल त्याग दिया है। वो महल से तीर्थस्थानों पे जाती हैं और तीर्थस्थानों से महल में आती हैं। तो बेटा फिर एक काम करो, एक बार तुम खुद ही आया तो बहुत अच्छा। जी जरूर आ जाता, बल्कि मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता। लेकिन बात यह है, मसरूफियत जंजीर बनकर मुझे जकड़ी हुई है। कभी उस तरफ ले जाती है और कभी उस तरफ ले जाती है। लोग कहते हैं गरीबी लानत है, हुजूर मैं कहता हूं अमीरी सबसे बड़ी लानत है। और सुनो क्या हाल है? डैडी, क्या बेवकूफ की आपके नकली राजकुमार ने? राय बहादुर ने दावत दी और उसे इनकार कर दिया। रिलैक्स सनी, रिलैक्स। ना, अगले महीने की 15 तारीख को तो मैं जर्मनी में हूं। हाउ कैन आई कम फ्रॉम जर्मनी टू जापान? आई एम सॉरी। या देखिए ना, अगले महीने की 15 को मैं जर्मनी में हूं और ये लोग मुझे जापान बुला रहे हैं। हाल ठीक है। अच्छी बात याद आई, वैसे बुरा मत मानेगा, वैसे गुस्ताखी तो है लेकिन फिर भी। नहीं बेटे, कहो ना, आप लोग ही रानी माँ के महल में तशरीफ क्यों नहीं ले आते? रानी माँ से मुलाकात भी हो जाएगी और फिर आप ही का तो घर है। चलो भाई, मुझे मंजूर है। चीयर्स फॉर द हेल्थ ऑफ रानी माँ। चीयर्स। चलो भैया।
कर रहे हो? ये कौन है? चरण छू रहा हूं बड़े भैया। ये आपके बड़े भैया हैं? हाँ। ओहो, माँ आपने तो कभी बताया नहीं हमें। जी बात ये है कि ये ज्यादातर बाहर रहता है। ओ, हाँ, इनका मतलब है कि जब मैं बाहर रहता हूँ तो ये अंदर रहते हैं और जब मैं अंदर रहता हूँ तो ये बाहर रहते हैं। माफ कीजिएगा, ये आपके अंदर बाहर का चक्कर समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ, अंदर बाहर से इसका मतलब है अब्रॉड। ओ, जब मैं अब्रॉड होता हूँ तो इंडिया में होता है, जब ये अब्रॉड होता है तो मैं इंडिया में होता हूं। बड़े ये कहना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात अक्सर एयरपोर्ट पर होती है। दैट्स राइट। बड़े भाई याद है हमारी मुलाकात पिछली बार कौन से एयरपोर्ट पे हुई थी? टोक्यो। हाँ, टोक्यो में हुई थी। टोक्यो। बेटे अभी तुम कहां से आ रहे हो? परेल। हाँ, परेल से इसका मतलब है पेरिस। पेरिस। एक्चुअली ये मेरा स्टाइल है, मैं परेल को पेरिस कहता हूँ, जापान को जलंधर कहता हूँ, कनाडा को खंडाला कहता हूँ। भाई साहब, बात यह है कि हमारी मिट्टी में वो मिठास है, वो दर्द, वो कशिश है, वो कसक है जो किसी देश में नहीं है, किसी देश के नजारों में नहीं है, वहां कुछ नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। फिर? हाँ। और सुनो क्या हाल है? बरखुदार, पेरिस में मेरा भी एक विला है। तुम वहां किस एरिया में रहते थे? एरिया मेरा मतलब है कि मोहल्ला। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। इट्स इन द फैमिली। इवन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, मेरा पर्सनल फिजिशियन है, देख लेगा। डॉक्टर साहब अभी देखिए ना। नथिंग टू वरी, अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ। मिर्की का दौरा मालूम होता है, जूता मारो चप्पल सुंघाओ, चप्पल सुंघाओ जूता मारो, जूता मारो चप्पल सुंघाओ, चप्पल सुंघाओ जूता मारो। मेरा ठीक है, गड़बड़ उसके साथ हुई है। ये क्या हिमाकत है? राय बहादुर तुम्हें दावत देने आया और तुमने उसे इनकार कर दिया? तुम अपने आप को असली राजकुमार समझने लगे हो क्या? देखो, मैं आप सबसे पहले भी कह चुका हूं, काम मैं अपने स्टाइल से करूंगा। अगर किसी ने खामखां बीच में टांग अड़ाई तो किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझसे नहीं हो सकेगा। देख लिया आपने, एक तो ये नुकसान कर रहा है, ऊपर से धौंस दे रहा है। ये राय बहादुर की तिजोरी में से 20 करोड़ तो क्या 20 पैसे भी लाके नहीं दे सकता। राय बहादुर की मोटी तिजोरी से मोटी रकम निकालने के लिए इसकी जरूरत है, दिमाग की, जो खुशकिस्मती से तुम्हारे पास नहीं है। 20 करोड़? अपना तो सिर्फ 20 का चक्कर है, यहाँ तो करोड़ों का। अरे अशोक ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जानते हो राय साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर राजकुमार ने मेरी दावत कबूल कर ली होती तो वो मेरी नजरों से गिर जाता। अरे प्यारे, तेरी यही अदा तो लूट गई उनको। उनका आखिरी फैसला भी सुन लो, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी लड़की की शादी होगी तो राजा रणवीर सिंह यानी कि उर्फ हमारे अशोक के साथ ही होगी। से सॉरी सनी, से सॉरी। सॉरी, डोंट रिपीट द मिस्टेक। लेकिन इस नई मुसीबत का क्या किया जाए? अब उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं निपटूंगा। कम ऑन सनी, लेट्स रिलैक्स। क्या हुक्म है? एक मिनट, होल्ड ऑन। वो इनके नकली भाई का क्या हुआ? जी वो तो खर्राटे लेके सो रहा है। अब इस सोने की चिड़िया को अच्छी तरह से देख लो। अच्छी तरह देख लिया। आगे बोलो। हेलीपैड पे हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हेलीपैड पे तुम हमारी रियासत के कैप्टन बनकर बैंगलोर जाओगे और मिस प्रीति को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ ले आऊंगा। आगे बोला। आगे जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम शराब को छुओगे नहीं। छूंगा नहीं, मुंह भी नहीं लगाओगे। मुंह भी नहीं लगाऊंगा। आगे बोलो।
अबे छुप छुप का क्या सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। नहीं मैं सुन रहा हूँ। नहीं हाँ, हाँ? मैं दिखाता हूँ, जाके ले जाऊंगा। सर यहाँ देखिए, ये सो नहीं रहा था, छुप छुप के सुन रहा था। अरे भाई कौन सुन रहा था, मैं तो गिन रहा था। क्या गिन रहा था? वही जो हवा में उड़ गए मेरे दो दो नोट, दस दस के पूरे 20। झूठ बोल। एक मिनट, एक मिनट, दस दस के दो नोट उड़ गए थे। करेक्ट। ये लो दो नोट दस दस के। थैंक यू। अब दफा हो जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। नहीं जरूरत होगी, मैं एक जगह पे सिर्फ एक ही बार आता हूं। हेलीकॉप्टर में जा रहे हो? जा रहा हूँ। खाना खाया? खाया। पानी पिया? पिया। इंजेक्शन लिया? लिया। इंजेक्शन काय का इंजेक्शन? अरे हेलीकॉप्टर में क्या आखिरी बार जा रहे हो? आखिरी बार? अरे भाई मेरा मतलब है कि पहली बार जा रहे हो और बिना इंजेक्शन के। जानते हो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? पहले तो खाना बाहर निकलेगा, फिर पानी बाहर निकलेगा, फिर खून बाहर निकलेगा, फिर आंतड़ियां बाहर निकलेंगी, फिर सिर्फ ये खोखा रह जाएगा। इंजेक्शन दो। नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन दो, इंजेक्शन दे दो। अरे जाओ, नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ठीक हो गया क्या? जाओ हेलीकॉप्टर पे जाओ, किनते हुए जाना। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बारह तेरह तेरह आए आए बारे ऊपर वाले, शुक्र है तेरा। ला 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 Go, go, go!
एक नजर देखो इधर, कहती फिरोगी हाय हाय दिल, देखो इधर देखो इधर। इसलिए मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा हे बना दूं तो मेरा नाम प्रीति नहीं। चुम्मन जी, बीबी जी, ये लफंगा बाजार से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। क्यों मिया, जवानी में कब्रिस्तान जाने का इरादा है क्या? क्या समझकर बाजार से इनका पीछा कर रहे थे? हमें पीछा ही करना था तो कोई और जगह नहीं मिली? चुम्मन मिया, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि ये मेरे आगे आगे चल रही थी। बीबी जी, दरअसल गलती आपकी है, आप आगे आगे चल रही थी। चुम्मन, बकवास बंद करो और इस आदमी से कहो अगर खैरियत चाहता है तो यहाँ से फौरन दफा हो जाए। अमा, खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। कमाल है, इस देश में तो अतिथि को भगवान समझकर सर आंखों पर बिठाते हैं और आप हैं जो दफा होने को कह रहे हैं। बीबी जी, मेहमान तो भगवान होता है। चुम्मन, अगर तुमने इस आदमी को बाहर नहीं निकाला तो इसके साथ तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। अमा मियाँ, निकल जाओ, तुम्हें तो जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वरना हमारी शान में भी गुस्ताखी हो जाएगी। अमा कैसे मर्द हो यार, मार खाने से डर रहे हो? क्या कहा? मार खाने से डरता हूँ? बीबी जी, बीबी जी। टोनी फर्नांडिस, रामू रहमान, कहाँ हो तुम लोग? इस बेशरम को उठाकर बाहर फेंक दो। उठाओ। अरे रे 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 रे, दंगा मस्ती हाथापाई मत करो भाई। अरे भाई, जबरदस्ती का मामला है क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे 4 से 7 साल बा मुश्किल कैद मिल जाएगी। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? अरे चिपत भर जाएगी। ओहो, बचाओ बचाओ बचाओ। निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, बड़े पे आबरू होकर तेरे दरवाजे से हम निकले। अरे बरखुरदार,
बहुत ही गलत शेर पढ़ा है तुमने। क्या करें बुजुर्गवार, बस अपनी हालत को देखकर खुद ब खुद मुंह से निकला। अरे इधर देखो बेटे तुम जी। अरे आओ भाई आओ, आओ। अरे बेटी आखिर ये किस्सा क्या है? किस्सा लुच्चा लफंगा बदतमीज बेगैरत नामकूल अहमद। ओ गैर शरारत बात नहीं, ये बताओ हुआ क्या है? बाजार से मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बेटी जिनसे तुम्हारी बात चल रही है ना, ये उनके छोटे भाई हैं। बैठो बैठे बैठो। बेटे ये कुमार अजीत है और ये मेरी बेटी है प्रीति। आपको मिलकर बड़ी मसर्रत हुई, दिल बाग बाग हुआ, आंखें जलवा फरोज हुई, रूह को ठंडक पहुंची। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत और सलीस जबान पाई है तुमने भाई, हमें तुम बहुत पसंद आए। मैं आपका ममनून। हो गई छुट्टी। अरे बेटी इनको इनके कमरे में ले जाओ, जरा इनके आराम का ख्याल रखना। चलिए आइए आपको दिखाऊं। क्या कमरा? अरे चुम्मन सुनिए, मेरी किसी हरकत से आपको तकलीफ पहुंची हो तो ये ना चीज नहायत ही शर्मिंदा है। अजी देखिए अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्या करूं, मुझे कमरा दिखाते हुए शर्म आ रही है, शायद आपको इतना पसंद ना आए। अजी ऐसी भी क्या बात है, कमरा कमरा होता है, पांव पसारना थकन उतारने के लिए। बस आप फिक्र मत कीजिए, कोई भी कमरा होगा चलेगा, हमारी जिंदगी मकसद। थैंक यू, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। आइए आइए देखिए। वाह क्या रेशमी अंधेरा है, ये मुर्गियों की भीनी भीनी खुशबू, ये मकड़ी के जाल जैसे सहरे के फूल, वाटर रूम, और ये मटका गदर के जमाने का। वाह हाँ जब मटका बंद है तो पानी कहां से आएगा भाई। वाह व्हाट अ रोमांटिक रूम, ऐसा लगता है जैसे किसी मुगल शहंशाह ने अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफा देने के लिए बनवाया होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि कमरा आपको पसंद आया। यू वेलकम, अब आप आराम कीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अजी क्यों तकलीफ करती हैं, खाने की हर चीज तो यहाँ मौजूद है, मुर्गी दाल अंडा गेहूं सब कुछ तो यहाँ है, और फिर मुर्गी थोड़ी देर में अंडा देती होगी, कच्चा अंडा खा लूंगा, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप मेहमान है आपकी मर्जी। अरे भाई देखो जूते तो छोड़ो, एक शेर सुनो कितना खूबसूरत है। दूर कोई गिरता है। वाह आओ बैठ जाओ, तुम भी सुनो कितना खूबसूरत शेर है। दूर कोई गिरता है। वाह वाह नो रिएक्शन, पानी बिना मटके का क्या काम। दूर कोई गिरता है। अरे भाई बेटे ये क्या हो रहा है, जब भी मैं कहता हूँ दूर कोई गिरता है तो कुछ ना कुछ गिरने की आवाज आती है, ये हो क्या रहा है? डैडी लगता है स्टोर रूम में बिल्ली घुस गई है। बिल्ली घुस गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये उठा पटक क्यों हो रही है? नहीं खैर छोड़ो, सुनाइए सर। दूर कोई गिरता है। डैडी अब काफी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं चलूं? हाँ बेटी जाओ जाओ सो जाओ, लेकिन हाँ एक बात बताओ, वो उस मेहमान को तुमने कुछ खाना वाना भी खिलाया या वैसी भूखा सुलाते उस बेचारे को? ऐसे कैसे हो सकता है डैडी, इज इट पॉसिबल? मैंने इतनी खातिर की है, इतनी खातिर की है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे मुर्गी फ्राई, मटन फ्राई, अंडा फ्राई, भाजी फ्राई, भेजा फ्राई, दाल फ्राई, और उसके ऊपर एक पूरी प्लेट मलाई साफ कर गया है। हाँ वेरी गुड। ऑलराइट डैडी आई एम टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू बेड, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट लव। हाँ भाई जुम्मन मियां, दूर कोई आज नहीं भाई, चलो हम लोग भी चलकर सोते हैं। पारा पाप चुबिरु पाप पारा पाप। तुम हाउ डेयर यू, तुम यहां कैसे पहुंच गए? सुनते हो कि नहीं, न्यूज़ Oh
तुझे देख लूंगी, ऐसा मत चखाऊंगी तो जिंदगी भर याद रखेगा। Stupid fool, I hate you. You stupid fool, I hate you. हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं बन सकते? Good morning, daddy. Good morning, my darling. Good morning. सब तैयारी हो गई ना? तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, चलना है। क्यों? कहाँ जाना है? बताइए ना डैडी, कहाँ जाना है? तुम सब जानती हो, एक्टिंग मत करो। ओह रियली? मैं कुछ नहीं समझती। अरे भाई, वो तुम्हारे प्रिंस है ना, उनकी माताजी ने बुलाया है। माताजी से मिलना है? हाँ, वो तुम्हें देखना चाहती है। माताजी मुझे देखना चाहती तो वो यहाँ आए। अरे अरे बेटे, उन्होंने दुनियादारी बिल्कुल त्याग दी है, कहीं आती जाती नहीं, सिर्फ तीर्थ स्थान या मंदिर चली जाती है। मगर मैं नहीं जाऊंगी दादी। बेटी, कभी कभी किसी बात को दिल नहीं मानता, फिर भी वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है। तो समझौता आप कीजिए, वो राजमाता होंगी, प्रिंस होंगे अपने घर में। आई विल नॉट गो। आई एम सॉरी डार्लिंग, बगैर तुम्हारे पूछे मैंने फैसला कर लिया था। दैट वॉज माई मिस्टेक, हम नहीं जाएंगे। डैडी, मैंने आपका दिल दुखाया, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी डैडी, मुझे माफ कर दो। आप जहां जाने कहेंगे मैं वहीं चलूंगी, मगर आप रोइए मत। नहीं पगली, मैं रो थोड़ी रहा हूं, मैं तो जब तक जीऊंगा तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ डैडी, मामी तो मुझे याद नहीं, लेकिन जिस प्यार से आपने मुझे पाला है, कोई माँ भी अपने औलाद को क्या पालेगी। आप जो भी करते हैं मेरे अच्छाई के लिए करते हैं, और मैं जो हूं ना, मेरा स्क्रू जरा ढीला है। यू डोंट टेक सीरियसली डैडी, मुझे हुक्म कीजिए, मुझे डांटिए, इधर चल उधर चल, ये कर वो कर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ऑलराइट यंग लेडी, नाउ गो एंड गेट रेडी। इतना ज्यादा भी नहीं डैडी। अच्छा ज्यादा नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी गाड़ी निकालती हूँ। आई एम गोइंग बाई प्लेन। बट आई एम गोइंग बाई कार। गुड मॉर्निंग। तुम? हाँ? तुम यहाँ भी आ गए? मैं कहाँ आ गया, आप मुझे ले आई। What? हाँ, देखिए ना, वो जो कमरा आपने मुझे दिया था ना, उसमें आपके मच्छरों और खटमलों ने सोने नहीं दिया। फिर तंग आके आपके बेडरूम में गया तो वहाँ आपके एयर कंडीशनर सोने नहीं दिया। फिर आधी रात जब बाहर निकला तो देखा आपकी गाड़ी खड़ी, तो वहां जाके सो गया। आँख खुली तो देखा आप गाड़ी चला रही हैं। चलो गाड़ी से बाहर निकलो। क्यों, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? तुम गाड़ी से उतरते हो या नहीं? कैसे उतरूं इस जंगल बेबान में, यहाँ आदमी तो एक तरफ, शैतान भी नजर नहीं आता, कैसे उतरूं? ओफो, निकलो। ओ, मैं कहती हूँ उतर जाओ गाड़ी से। मैडम, अगर मैं गाड़ी से उतर गया तो जिंदगी गाड़ी से उतर जाऊंगा। देखिए मैडम, पर प्लीज, आप कहेंगी तो मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ जाऊंगा, आप कहेंगी तो मैं सांस भी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ अकेले जंगल बेबान में मत छोड़िए। आप नहीं जानती है यहाँ के जानवर बहुत आदमखोर होते हैं। आदमखोर? मैनेजर्स? कुछ सुना आपने? नहीं, नहीं सुना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज मत सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाथियों की आवाज आ रही है। यहाँ के हाथी घास नहीं खाते हैं, आदमी खाते हैं। सुनिए, ग्रेजुअली सुनिए मैडम, मुझे आपकी बड़ी फिक्र है। अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं है, आप जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। सच कह रहा हूँ, मुझे आपकी फिक्र है, बाद में मुझे नहीं उतार दें। आप गाड़ी चलाइए, फौरन चलाइए, सच कह रहा हूँ। आप मुझ पर इतना भड़कते क्यों हैं? तुमने और तुम्हारे भाई में कितना फर्क है? फर्क तो होना ही चाहिए। देखिए, आपके पिताजी में और आप में फर्क है कि नहीं? क्या मतलब? अब देखिए, जब आदमी जवान होता है तो उसका खून गर्म होता है, वो शरारतें करता है, नादानी करता है, जैसे कि आप नादानी कर रही हैं। बैंगलोर जाना है हवाई जहाज के बगैर, आप
गाड़ी में जा रही, रास्ते में कुछ हो गया तो? ये नादानी हुई कि नहीं? क्योंकि आप जवान हैं, आपका खून गर्म है। वैसे मेरा भी खून गर्म है, मैं भी जवान हूँ। और भाई साहब, भाई साहब तो कब के जवानी के स्टेशन से रुखसत हो चुके हैं। पापा खैर, कहना नहीं चाहिए। 30-50। What? शक्ल से तो दिखाई नहीं देता। अरे यही तो प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। अरे आप नहीं जानती है, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे सर्जन्स डॉक्टर्स घूमते रहते हैं। हाँ, अच्छा वो बुढ़ापे की वजह से थक जाते हैं ना, तो बस डॉक्टर्स उन्हें अपने चाबी दे देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर्स का कहना है तो शादी के बाद तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं क्या कह गया, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, बिना कहे भी तो नहीं रह जाता था। क्योंकि आप इतनी भोली हैं, इनोसेंट हैं, नमकीन हैं, कमसिन हैं, हसीन हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? गाड़ी में गड़बड़ लग रही है, आप जरा धक्का लगाएंगे? क्यों नहीं, जरूर धक्का लगाऊंगा, जवानी तो धक्का लगाते हैं। देखिए आप मेरा धक्का जी, बस चाबी दीजिए, स्टार्ट करिए, फिर देखिए धक्का, धक्के पे धक्का। ये देखिए, ये देखिए, हाँ हाँ स्टार्ट होगी। क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? रोकिए रोकिए, देखिए। तो मैं कह रहा था, क्या याद है एक दिन तुमने मुझे 1 रुपया दिया था? हाँ। अरे उस रुपए ने तो मेरे दिल की तिजोरी का कबाड़ा कर दिया है। वो कैसे? बस जब उस रुपए को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, और तुम याद आती हो तो सारी दुनिया भूल जाता हूँ। तुम्हारे दिल में भी ऐसा होता है? ऐसा मतलब? मतलब यूं यूं सा
अरे भाई जिससे सांसें बढ़ जाती हैं और दिल की धड़कने और धड़कने लगती हैं, होता है कि नहीं? अजीब सी बात है, शादी किसी से करने जा रही हूँ और प्यार किसी और से कर बैठी। किससे? तुमसे। तो फिर दुनिया से क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन लेकिन डैडी ने उनको जबान दे रखी है। क्या? हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं तो। क्या हुआ? डैडी? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटी, ये दिल है ना, ये बड़ी कमबख्त चीज है। जब तक तेरा घर नहीं बसा था तो उदास रहता था, और अब जब तेरा घर बसने का वक्त आया है तो इतनी खुशियां मनाई हैं कि बीमार पड़ गया। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं, रोते नहीं। अरे मुझे तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए उठने से मना किया है, उस वक्त तक कादर तुम्हारा गार्जियन रहेगा और जो ये कहे वही तुम्हें करना है। मंगनी किसी भी हालत में होनी चाहिए। क्या तुम मंगनी नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सारे शहर में खबर फैल चुकी है, हजारों मेहमान आने वाले, उनका हम क्या जवाब देंगे? कुछ भी हो जाए लेकिन ये मंगनी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मैं किशोर से प्यार करती हूँ। नहीं प्रीति, अव्वल तो तुम झूठ बोलती हो, और अगर ये बात सच है तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही, कल क्यों नहीं कही? आज जब तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा है तब तुम्हें मौका मिला ये बात कहने का। देखो प्रीति, एक बात समझ लो, तुम्हारे बाप की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक इकरार उनको जिंदगी दे सकता है और तुम्हारा एक इनकार उनकी जिंदगी ले सकता है। सोच लो, बाप के लिए प्यार कुर्बान कर दो या प्यार के लिए बाप को कुर्बान कर दो। लीजिए। भाई साहब आप भी लीजिए ना। मैं मीठा नहीं खाता। हाँ डायबिटीज, कितना ख्याल रखते हैं आप अपना, देखा। He's 50. क्या हुआ बेटी? जी कुछ नहीं, excuse me. लीजिए फिर से ले लीजिए। नो थैंक्स। अरे ले लीजिए ना, ढेर सारे लड्डू हैं, ले लीजिए। ये हराम ज्यादा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा, मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। साले ने कोई चक्कर जरूर चलाया है। आइए हम आपको अपना गरीब खाना दिखाते हैं। क्यों माँ जी, ले जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटी जाओ। आइए। बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें अकेला ही छोड़ दो। छोटे कुमार, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब? जी आज आपका चेकिंग है ना। मेरा चेकिंग? बेटे क्यों जिद कर रहे हो, जाओ 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 जाओ। लो। जब तक हम बुढ़े ही आपस में बात कर लेते हैं। पागलपन में क्या कर बैठे? तुम ठीक कह रही हो प्रीति,
पागलपन में ही तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं दिमाग से पागल नहीं हूँ, इसने मुझे पागल बना दिया है। लेकिन हुआ क्या, किसने मारा, बोलो ना, तुम उसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हें सब कुछ एक दिन बता दूंगा प्रीति, कुछ दिनों की मोहलत और दो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगा तुम मत पूछना कुछ। आज मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया है, बेहद प्यार किया है। किशोर कहाँ जा रहे हो? कमाल है, धो भी हूं, कपड़ा धो के लाया हूं। ऊपर जाके दे दो। अच्छा अच्छा, तू यही ठहर बच्चे, मैं अभी आया। पिताजी होते तो ऐसे ही मारते इस आदमी को। तुम्हारे पिताजी नहीं है? नहीं है, पर वो हमें छोड़कर चले गए। घबराओ नहीं, इस मासूम दिल की फरियाद एक न एक दिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास खींच कर ले आएगी। आओ बेटे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। अंकल आप भी चलिए। नहीं बेटे मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। अच्छा ये लो। आशा बहन मैं लेना याद करके। हा? क्या हुआ? कुंवर साहब यहाँ? अच्छा साहब ये मेरे पति है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए इस तकरीब की जिम्मेदारी मेरे सर है, इसलिए मैं आपसे रानी माँ रानी माँ से गुजारिश करूंगा कि वो मंगनी की रस्म शुरू करें। जिनको निशान
यारों की महफिल उस पे सुहानी जुल्फों की शान। आओ प्याला उठाओ आज किसी के दिल भर के नाम। जब है पल में न जाने क्या हो। देखो जी इतना देखो ना सपना सपने का उल्टा अंजाम। इसे मैं मारूंगा। बहुत तड़पाया है इसने मुझे।
कमाल के आदमी हो, कभी कभी मारते हो, कभी गले लगा लेते हो, कभी जख्म देते हो, कभी जख्म पहुंचते हो। बात समझ में नहीं आई बड़े भाई। किस्मत की किताब में लिखी हुई ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। छोटी सी उम्र में पेट पालने के लिए हम ढोंग रचाया करते थे, सारी जिंदगी ढोंग बनकर रह गई। छोटी सी उम्र में ढोंग? हम दो भाई थे, अशोक और किशोर, साधु बनकर लोगों को ठगते थे। वो तो मैं और मेरे बड़े भाई थे। थे नहीं, हैं। हैं? कहाँ हैं? यह अधूरी तस्वीर रिश्तों की पूरी कहानी बता सकती है। भैया, 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 लेकिन तुमने भाभी और बच्चे पर बहुत जुल्म किया। उसी की तो सजा भुगत रहा हूं मैं। एक काम करो मेरे भाई, तुम यहां से जल्दी भाग जाओ, मैं इन लोगों को निपट लूंगा। नहीं भैया, अब मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। और फिर इन्होंने भाभी और मुन्ने को कैद भी तो कर रखा है। वाह वाह, वंडरफुल। इसे कहते हैं तकदीर का जादू। मारते मारते दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई। कमाल है, भाई मिल गया, बीवी मिल गई और टोकन में एक बच्चा भी मिल गया। देखो गुरु, मैं तो कहता हूँ ये लफड़ेबाजी की जिंदगी छोड़कर तुम फौरन कहीं दूर जाकर अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी बसा लो। तुम ठीक कहते हो रंजीत, मैं इन लोगों को लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। करेक्ट, लेकिन दूर जाने के लिए तुम्हें टिकट चाहिए, और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें टिकट मिल नहीं सकती। मतलब? मतलब ये कि हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें प्रीति से शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भैया, प्रीति से शादी नहीं कर सकते। भैया प्रीति से शादी करेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट हमारा तुम्हारे भैया के साथ में हुआ है, इसके बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। hey! इसे गैराज में बंद कर दो, जाओ। नहीं नहीं, ठहरो रंजीत, छोड़ दो इसे। छोड़ दूं? डोंट गेट एक्साइटेड, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी बीवी और बच्चे से तो मिल लो। ले जाओ, बीवी बच्चा इधर है। आओ, डोंट वरी अबाउट हिम, ही विल बी एब्सोल्युटली ऑलराइट। हो गई तसल्ली? देखो अशोक, आज तक तुम जो भी कहते आयो मैं वही करता आया हूँ, लेकिन अब ये जो तुम्हारे रिश्तेदार पैदा हो गए ना, ये हम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। अशोक, इसलिए तुम्हारे रिश्तेदार आज से मेरे पास रहेंगे, और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, वरना तुम अपने रिश्तेदारों से हाथ धो बैठोगे। मैं इनके टुकड़े कर करके ऐसी जगह पर फेंकूंगा कि तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि भाई का टुकड़ा कौन सा है, बीवी का कौन सा और बच्चे का कौन सा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ओके? अरे यार, चल चल पत्ता पे किया, पत्ता डाल दिया। चाचा, चाचा। अरे मुन्ना, तू यहाँ? चाचा। छोड़ दो बच्चे को। डैडी, 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 लोगों ने चाचा को मार डाला। कौन है बच्चा? ये मेरा बेटा है। मतलब तुम? तुम शादीशुदा हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम शादीशुदा हो तो मेरी इज्जत से क्यों खेले, मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? कोई बर्बादी नहीं हुई डैडी, इस पापी के चुंगल से ईश्वर ने हमें बचा लिया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इस बेईमान की वजह से मैंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। तुम फिक्र मत करो प्रीति, अगर इस कमजात को मैंने जेल भिजवाकर सारी जिंदगी चक्की न पिसवाई
तो कसम है उस परवरदिगार की, मेरा नाम कादर खान नहीं। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, मैं खुद फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां है रंजीत? कहां है आपका बेटा रंजीत? अगर मत के बच्चे हो तो सामने आओ। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अशोक आहूजा, तुम्हें धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ए, गिरफ्तार कर लो इसे। राय साहब आप फिक्र मत कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहां कोई शादी नहीं होगी, आप लोग जा सकते हैं। पंडित जी आउट आउट। इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम बताया अपने इस आदमी का? अशोक आहूजा। क्यों? अशोक आहूजा। मैं इस आदमी को कई दिनों से याद करने की कोशिश कर रहा हूं, आज हमने दिमाग की उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दिया है। यह अशोक आहूजा इज अ क्रिमिनल, ये मुजरिम, इसने कानून को धोखे दिए हैं। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके बारे में सब कुछ बता के कानून की मदद करना चाहता हूं। रिलैक्स मिस्टर कादर। हाँ कादर, मुझे और मेरे कानून को आपकी मदद की जरूरत नहीं। जी यस यस यस, अभी बताता हूं। चलिए चलिए आप लोग चलो। चाना नहीं? अब पहचाना? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे बेटा, मेरा खून पीने के लिए तुम्हें 10 जन्म और लेने पड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप फिक्र मत कीजिए राय साहब, मैं आपको सब समझाता हूँ। ये गधा है ना, इस पर मेरे डैडी को बहुत भरोसा था, ये आपकी बेटी से शादी करके आपकी करोड़ों की जायदाद हमारे हवाले करने वाला था, लेकिन गधा है ना सो गधा रहा, इस पर हमारा भी लाख 2 लाख रुपए लग चुका है। वैसे मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपकी बेटी के नाम से इस शहर में जो लॉकर है उसमें जो करोड़ों की जायदाद सड़ रही है उसमें से कुछ थोड़ा सा, मेरा मतलब है अगर आप अपनी और अपनी बेटी की सही सलामती चाहते हैं तो आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अब बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए, मैं अभी फोन ले आता हूं। मे आई स्पीक टू द मैनेजर प्लीज? नहीं, कभी नहीं हो सकता। देख बे बुड्ढे, जब तक मुझे गुस्सा नहीं आता मैं बड़ी शराबत से पेश आता हूं, लेकिन एक बार गुस्सा आ जाए तो बात मेरे बस में नहीं रहती। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो मैनेजर से बात करो। अरे हट करो। हेलो कपूर साहब, मैं राय बहादुर शमशेर सिंह बोल रहा हूँ, आपको एक तकलीफ देनी है। मेरी बेटी को लॉकर में से कुछ जेवरात निकालने हैं। राय साहब, बैंक के लॉकर से जेवरात निकालने हैं और इतनी रात गए? दरअसल गलती मेरी है कपूर साहब, आज मेरी बेटी की शादी है, आप मेरी इज्जत रख लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आपकी लड़की की शादी है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उसे भेज दीजिएगा। थैंक यू कपूर साहब। That's like a good father. मम्मी, ये जरा फोन मार दीजिए। जॉर्ज, जॉर्ज, मेम साहब को सही सलामती से बड़े प्यार से बैंक में ले जाओ। आइए। डोंट वरी अबाउट हिम। और सुनो, रास्ते में कोई होशियारी मत करना वरना अपने बाप की जान से हाथ धो बैठोगी। And that's like a good daughter, right, sir? आओ बेटी आओ, बैठो। सॉरी मैनेजर साहब,
आपको तकलीफ दी हमने। कोई बात नहीं। अबे जल्दी करो, हरे अब। ओ, क्यों? तुम मेरा खून पीना चाहते थे? बस ठीक। ए इधर जल्दी, उधर। हाँ, दैट्स गुड, वेरी गुड। और उसके बाद ये किधर लगाओ, ओके? क्या? और सब कनेक्शन सीखे? वेरी गुड संजीव। हाय जनमन, मैंने अपना वादा पूरा किया, छोड़ दो इन्हें। अरे जनमन इतना गुस्सा मत करो, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये मेरा खून पीना चाहता है और ये मेरा केस लड़ना चाहता है और राय साहब आराम करना चाहते हैं। डैडी प्लीज आप जरा बाहर चलिए। ठीक है, और हम दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए चलते हैं। जॉर्ज ब्लास्ट देम विद एवरीबॉडी। ओके अच्छा, तुम चलते हैं, फर्स्ट ब्लॉक। कम ऑन मूव। छोड़ दे कमीने, छोड़। बंदूक नकली है। गुनहगार था, धोखेबाज था, पाखंडी था, लेकिन अब वो इंसान मर चुका है। एक नए इंसान ने जन्म लिया है और वो इंसान तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। मुझे माफ कर। अशोक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? आशा, इंसान के पास अपने गुनाहों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसकी सजा उसे जरूर मिलती है। इससे बड़ी सजा मुझे क्या मिलेगी? मेरी बीवी, बच्चा, भाई, सब कुछ होते हुए भी मैं यतीम था, बेसहारा था। किशोर कहाँ है? कैसा है? सही सलामत है, आओ मेरे साथ।